हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप फाइव एमसीक्यूज़ जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक से जुड़े हुए हैं और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आइए फटाफट -फड़ से सेशन को स्टार्ट करते हैं तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की तो स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रीहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे तो आते हैं पहले सवाल की तरफ तो पहला सवाल हमारे पास यहां पे है इन इंटरनेशनल बिजनेस इंट्रा transactions using यूजिंग ट्रांसफर प्राइसिंग आर कॉमन environment political पॉलिटिकल लीगल socio cultural एंड एथिकल इन होस्ट कंट्रीज is ऑफन नॉट known टू द फर्म varying strategies ऑफ बिजनेस आर अडॉप्टेड इन डिफरेंट होस्ट कंट्रीज आपको बताना है कि कौन सी यहां पे स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल सही हैं इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ी हुई तो देखिए जी यहां पे आपकी तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ी हुई आपकी इंट्रा इंट्राफर्म ट्रांजेक्शन ट्रांसफर प्राइस पे यानी कि आपकी जो फर्म है उसकी 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 एक एक यूनिट यूनिट है है, है इंडिया में एक आपकी है, उसकी है जी आप सिंगापुर में तो यहां इंट्रा फर्म ट्रांजेक्शन हो रही हैं और किस प्राइस पे हो रही हैं ट्रांसफर प्राइस पे हो रही हैं और ये प्राइस ऐसा हो सकता है जो कि टैक्स लाइबिलिटी को कम से कम रखने के हिसाब से डिसाइड किया गया हो वेरिंग एनवायरमेंट एनवायरमेंट वेरी करेगा आपकी होस्ट कंट्री में अलग एनवायरमेंट होगा जो कि आपको पता नहीं होगा और यहां पे आपको अलग अलग होस्ट कंट्रीज में आप इंडिया के हैं सिंगापुर भी जा रहे हैं यूएसए भी जा रहे हैं अफ्रीका भी जा रहे हैं अलग अलग होस्ट कंट्री में आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी तो सारी स्टेटमेंट सही होती हैं और इसीलिए आंसर ऑप्शन डी यहां पे बन जाएगा चलिए यहां पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन एवोल्यूशन ऑफ एमएनसीज़ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की एवोल्यूशन में आपको स्टेजेस का करेक्ट ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है ट्रेड असेंबली इंटीग्रेशन ये तीन चीजें आपको देखने को मिल रही है बताइए कौन सा ऑर्डर यहां पे सही होगा सोचिए और हमें आंसर जो है अपना बताइए तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन ए है तो आपका आंसर यहां पे बिल्कुल सही है देखो एमएनसी जब बनती है तो हमें तीन स्टेजेस देखने को मिलती है पहली स्टेज बेसिकली है ट्रेड कंट्री एक्सपोर्ट करना शुरू करती है फिर आती है दूसरी स्टेज जो की है असेंबली और प्रोडक्शन की तो इस केस के अंदर अब कंपनी क्या कर रही है अब कंपनी दूसरी कंट्री में जाकर अपने प्रोडक्ट को असेंबल कर रही है दूसरी कंट्री में जाकर प्रोडक्शन शुरू कर रही है तो अब यहां पे उसका जो एंगेजमेंट है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया वो टैक्सेस को अवॉइड करना चाहती है इंपोर्ट ड्यूटी को अवॉइड करना चाहती है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाना चाहती है तो दूसरी कंट्री में होस्ट कंट्री में जाकर ही असेंबली और प्रोडक्शन कर रही है और इसके बाद है इंटीग्रेशन अब वो काम अपना अलग अलग कंट्रीज में लेकर जा चुकी है अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन वो कर रही है अब कोशिश करती है इंटीग्रेट करने की कि मैं सभी अपनी एक्टिविटीज जो अलग अलग यूनिट्स के थ्रू परफॉर्म कर रही हूं उन सभी को इंटीग्रेट कर लू सो ऐसे हमारी एमएनसीज इवॉल्व होती है आंसर है ऑप्शन ए

वो फैक्टर्स यहां पे आइडेंटिफाई करने हैं तो यहां हैं ना उन सभी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ के अंदर टेक्नोलॉजी ग्रोथ हुई है टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है इससे इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा है सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस आए हैं आपका डब्ल्यूटीओ बना है जिसने ट्रेड को सपोर्ट किया है

तो अब इसलिए क्या हुआ हमारी ट्रेड में ग्रोथ हमें देखने को मिला यूएसएसआर के साथ जो कंट्रीज जुड़ी हुई थी उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया इंक्रीज इन कंपटीशन देखो कंपटीशन बढ़ा आपके डोमेस्टिक लेवल पे कंपटीशन बढ़ा तो आप अपनी मार्केट्स देखने इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस इससे भी बढ़ेगा तो सभी फैक्टर्स यहां पे रेलेवेंट है और आंसर ऑप्शन डी यहां पे बनेगा चलो जी सवाल कुछ है यहाँ पे बेस्ड ऑन बिहेवियरल फीचर्स ऑफ एंड घोशल 1989 डिफरेंशिएट बिटवीन अ दोनों को बट इन्होंने यहां पे ना एक डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करी है इन दिस रिगार्ड कंसिडर द करेक्ट कोड स्टेटमेंट वन है इन द ट्रांस नेशनल कंपनी डिसीजन मेकिंग इज नॉर्मली डिसेंट्रलाइज

तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को उल्टा कर दिया देखो ट्रांसनेशनल कंपनी जो होगी ना आपकी वहां पे आपको देखने को मिलेगा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कि उसकी जो भी यूनिट्स हैं जो भी उसकी एक्टिविटीज है वर्ल्ड ओवर उनमें परफेक्ट आपको इंटीग्रेशन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा बट एमएनसी के अंदर आप नॉर्मली देखेंगे कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है डिसेंट्रलाइज है हर एक कंट्री के डिसीजन अलग अलग तरीके से लिए जा रहे हैं और एक्टिविटीज में कोई टाइट कोऑर्डिनेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा तो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहां पे उल्टी हो गई है ये एमएनसी की है और ये ट्रांसनेशनल कंपनी की है और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन डी आपका बनेगा चलिए ये सवाल है अक्सर हमें देखने को मिलता है बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है इट इज ऑफन सेड डेट फॉर क्वालिफाइंग एज एन एमएनसी द नंबर ऑफ कंट्रीज वेयर द फर्म ऑपरेट्स मस्ट बी एटलीस्ट फोर सिक्स नाइन और टेन एमएनसी बनने के लिए आपको कितनी कंट्रीज में कम से कम अपना बिजनेस करना चाहिए तो यह सवाल आपसे यहां पे पूछ रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स एमएनसी बेसिकली मल्टीनेशनल नेशनल है कोई कॉरपोरेशन एक से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस कर रही है आप उसे एमएनसी बोल सकते हैं अब एक एक कंपनी ऐसी है जो कि केवल दो कंट्री में बिजनेस कर रही है तो आपके उसे भी एमएनसी बोलेंगे दूसरी कंट्री में उसका कोई बहुत छोटा सा काम है तो क्या उसे एम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए तो एक बेटर डेफिनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे हमें करी किस ने? ने और यूनाइटेड ने तो 1970s में ऐसा कहा गया कि यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी फॉर्म ऐसी हैं जो कि एमएनसी वाले फीचर प्रोजेस कर रहे हैं बहुत सारी फॉर्म ऐसी हैं जो कि एक से ज्यादा कंट्री में कुछ ना कुछ काम कर ही रही हैं। तो एम उसे कहा जाए जो कि कम से कम छह कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही हो और साथ ही साथ उसका एक साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है उसका एक मेजर पोर्शन ऑफ दी रेवेन्यू जो है वो उसे फॉरेन ऑपरेशन से मिल रहा हो तभी हम उसे एमएनसी बोलेंगे ऐसा यहां पे कहा गया तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई लग, कोई बिल्कुल यहां पे पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई छह कंट्रीज में ऑपरेट होंगे तभी एमएनसी मानेंगे ये बस इनका ओपिनियन है जो कि इन्होंने हमें दिया और अगर एग्जाम में हमसे पूछते हैं तो आपको सिक्स कंट्रीज इसका आंसर लगाना है आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी माय डियर फ्रेंड्स ये था हमारा डिस्कशन यहां पे आपके लिए होमवर्क का सवाल है इसका आंसर आपको देना इस वीडियो पे कमेंट करके हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट